तो बेटा अब हम लोग देखने वाले बेटा एलिमेंट्स के बारे में। तो बेटा एलिमेंट्स के बारे में हमने पहले तो पढ़ लिए, टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं, पर बेटा बेसिक में अभी हम लोग सिर्फ 20 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा देखते हैं क्या क्या होता है एलिमेंट्स में। तो बेटा देखिए एलिमेंट्स, तो बेटा सबसे पहला एलिमेंट आता है बेटा हाइड्रोजन। क्या आता है बेटा सबसे पहले? हाइड्रोजन आता है, और हाइड्रोजन का बेटा जो सिंबॉल रहता है वो रहता है बेटा एच। क्या रहता है सिंबॉल? एच रहता है, और उसका एटॉमिक नंबर रहता है 1, यानी कि उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने रहते हैं बेटा? 1 रहते हैं। अब बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो बेटा जैसे कि आपने देखे कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं बेटा शेल्स के अंदर पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता है द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स। तो इलेक्ट्रॉन्स को हम किस तरीके से शेल्स में अरेंज करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और जैसे कि हमने देखे हमारे पास चार शेल रहती है, के एल एम और एन। और आपको यह भी पता है कि हर एक शेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो बेटा पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं मैक्सिमम, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में बेटा 32 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो बेटा हम लोग चलो करते हैं। तो बेटा हाइड्रोजन क्या एटॉमिक नंबर 1 है, यानी कि उसके नंबर उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा पहला इलेक्ट्रॉन हम क्या कर देंगे बेटा? पहली वाली शेल में डाल देंगे। अब और इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं हमारे पास, इसीलिए पहली शेल में हमने एक ही इलेक्ट्रॉन डाले। आया समझ में? तो ये हो गया उसका बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब उसके बाद बेटा आती है बेटा वैलेंसी। तो बेटा वैलेंसी क्या होता है? तो बेटा वैलेंसी मतलब होता है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, तो बेटा जितने भी एलिमेंट्स रहते हैं वो बेटा कभी ना कभी दूसरे एलिमेंट के साथ क्या होते हैं बेटा? कंबाइन होते हैं। क्या होते हैं बेटा? दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होते हैं। तो बेटा कंबाइन क्यों होते हैं? तो बेटा इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि बेटा हर एक एलिमेंट अपने आप में स्टेबल नहीं रहता है। हर एक एलिमेंट अपने आप में स्टेबल नहीं रहता है, उसको किसी दूसरे एलिमेंट की जरूरत पड़ती है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। आया समझ में? इसलिए वो क्या करता है बेटा? दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करता है या दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होता है। तो बेटा मान लेते हैं कि हमारे पास एक हाइड्रोजन है। तो बेटा हाइड्रोजन कितने एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करेगा? तो बेटा वो हमें बताता है उसकी वैलेंसी। कौन बताता है बेटा? उसकी वैलेंसी बताता है। आया समझ में? तो वैलेंसी मतलब होता है द कंबाइनिंग कैपेसिटी और द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विथ विच द एलिमेंट विल कंबाइन। आया समझ में? उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? वैलेंसी कहते हैं। तो देखिए बेटा जो हाइड्रोजन है उसके पास पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा हर एक एलिमेंट को क्या चाहिए कि उसकी आखिरी वाली शेल क्या चाहिए बेटा? उसको उसकी आखिरी वाली शेल कंप्लीटली फिल हो। क्या चाहता है वो? उसकी आखिरी वाली शेल कंप्लीटली फिल हो। और जब उसकी आखिरी वाली शेल कंप्लीटली फिल हो जाती है तो वो क्या हो जाता है बेटा? स्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? वो स्टेबल हो जाता है। तो क्या मुझे बताओ कि हाइड्रोजन की जो लास्ट वाली शेल है यानी कि के वाली शेल है क्या वो कंप्लीटली फिल है क्या? नहीं है बेटा। या तो उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, या तो उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है फिल करने के लिए, या तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन बेटा किसी को दे देगा, तब जाके क्या हो जाएगा बेटा? उसकी शेल कंप्लीटली फिल हो जाएंगी। देखो बेटा वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका 2 आ जाएंगे, तो उसकी के वाली शेल कंप्लीटली फिल हो जाएंगी, तो वो क्या हो जाएगा बेटा? स्टेबल हो जाएगा। तो हम लोग कहते हैं कि हाइड्रोजन की वैलेंसी रहती है 1, यानी कि वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी कि वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसकी वैलेंसी क्या हो गई बेटा? 1 हो गई। और वैलेंसी को हम लोग बेटा एक और डेफिनेशन से बोल सकते हैं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन बाय एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। तो बेटा हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया तो उसकी वैलेंसी क्या हो गई बेटा? 1 हो गई। आया समझ में? और मान लीजिए कि अगर हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा बेटा? हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और मान लीजिए अगर हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसके ऊपर बेटा क्या चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज आएगा। तो ये बेटा हाइड्रोजन के आयन्स बन गए।
आया समझ में? अब बेटा ये हाइड्रोजन यूज कहां पे होता है? तो बेटा ये जो हाइड्रोजन है ये रॉकेट फ्यूल में यूज होता है। कहां यूज होता है बेटा? रॉकेट फ्यूल। आप देखते हो ना बड़े बड़े रॉकेट्स हम लोग भेजते हैं, तो उसमें हम लोग जो फ्यूल यूज करते हैं वो किससे बना हुआ रहता है बेटा? हाइड्रोजन से बना हुआ रहता है। और बेटा हाइड्रोजन एक गैस के फॉर्म में रहती है। किस फॉर्म में रहती है बेटा? गैस के फॉर्म में रहती है। और हाइड्रोजन हमारे यूनिवर्स की सबसे लाइटेस्ट और सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है। कौन सी गैस है? सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, ये गैस है। और इनका यूज बेटा और भी कई जगहों पर यूज होता है, अगर आप चाहते हो तो बेटा आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा हमारा दूसरा एलिमेंट जिसका नाम है हीलियम। क्या आता है बेटा उसका नाम? हीलियम। और इसका सिंबल रहता है बेटा HE। और इसके अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो बेटा कहां रखेंगे उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग? वेरी गुड, के शेल में रखेंगे। कौन सी शेल में रखेंगे बेटा? के शेल में रखेंगे। फिर उसकी वैलेंसी की बात करें तो बेटा आप क्या देख रहे हो कि उसकी पहली वाली शेल यानी कि उसकी जो लास्ट वाली शेल और पहली वाली शेल तो एक ही है, तो उसकी जो शेल है वो पूरी तरीके से क्या है बेटा? कंप्लीटली फिल है। कैसी है बेटा? कंप्लीटली फिल है। तो उसको बेटा इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्या? नहीं है। तो इसलिए बेटा उसकी वैलेंसी क्या हो जाएंगी? जीरो। तो जो हीलियम रहता है वो ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देगा और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि उसकी वैलेंसी जीरो है। क्योंकि उसकी वैलेंसी जीरो है और वो कैसा है बेटा? स्टेबल है। कैसा है वो? स्टेबल है। तो उसकी वैलेंसी हो गई जीरो। तो उसका बेटा आयन बनेगा क्या? नहीं बनेगा। उसका आयन नहीं बनेगा क्योंकि ना ही वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ना ही वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। आया समझ में? फिर बेटा इसका यूज क्या होता है हीलियम का? तो बेटा हीलियम जो है ना ये भी एक प्रकार की लाइट गैस है। ये भी एक प्रकार की लाइट गैस है। और बेटा इसका यूज हम लोग बल्ब में करते हैं। किसमें यूज करते हैं बेटा? बल्ब में। आप लोग देखते हो ना बेटा घर जो बड़े बड़े वाले जीरो बल्ब आते हैं उसके अंदर जो गैस भरी हुई रहती है वो रहती है बेटा हीलियम गैस भरी हुई रहती है। तो हीलियम गैस का यूज ज्यादातर लाइट में यूज किया जाता है। फिर आपने दूसरा इसका यूज देखियो बेटा बलून्स में। आपने वो बलून्स देखे होंगे जो बेटा हवा में से उड़ जाते हैं बहुत ऊपर तक। तो बेटा उन बलून्स में जो गैस भरी हुई रहती है वो रहती है बेटा हीलियम गैस। इसलिए उन बलून्स को हम लोग हीलियम गैस बलून्स भी कहते हैं। फिर बेटा हमारा तीसरा एलिमेंट आता है लिथियम। क्या आता है बेटा तीसरा एलिमेंट? लिथियम। और इसका एटॉमिक नंबर है 3 यानी कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन्स है। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो बेटा पहली वाली शेल में तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, तो बाकी का एक इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? तो बेटा जो बाकी का बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो उसके एल शेल में चले जाएगा। कौन सी शेल में चले जाएगा बेटा? एल शेल में चले जाएगा। तो बेटा उसकी आखिरी वाली शेल कौन सी कहलाएंगी? एल शेल कहलाएंगी। अब मुझे बताओ जो उसकी आखिरी वाली शेल है वो क्या कंप्लीटली फिल है? क्या है क्या उसकी आखिरी वाली शेल कंप्लीटली फिल? देखो नहीं है, क्योंकि आखिरी वाली शेल में और 7 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, और 7 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है 8 होने के लिए। तो मुझे बताओ कोई ऐसा एक एलिमेंट है कि जो उसको 7 इलेक्ट्रॉन दे देगा? नहीं। तो बेटा कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो पूरे के पूरे 7 इलेक्ट्रॉन्स उसको दे दे। तो बेटा ये क्या करेगा? ये क्या करेगा बेटा लिथियम? वो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देगा। क्या कर देगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देगा। तो क्या हो जाएगा बेटा? उसकी जो पहली वाली शेल है वही उसकी लास्ट वाली शेल बन जाएंगी, और वो कैसे रहेंगी बेटा? कंप्लीटली फिल्ड रहेंगी। आया समझ में? तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी बेटा? 1, क्योंकि अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? किसी को दे देगा। और इसका सिंबल क्या हो जाएगा बेटा आयन का? Li प्लस। क्या बन जाएगा बेटा? Li प्लस, क्योंकि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब बेटा ये लिथियम कहाँ यूज आता है बेटा? तो बेटा ये जो लिथियम है वो सेल बनाने में काम आता है। बॉडी सेल नहीं, जो आप सेल देखते हो ना बेटा घर में जो रिमोट में सेल लगते हैं उनमें ये काम आता है लिथियम। क्या काम आता है बेटा? लिथियम। तो लिथियम हमारा मोबाइल की बैटरी या फिर मान लीजिए हमारे जो घर में सेल्स है वो बनाने में लिथियम का काम आता है। और लिथियम का बेटा सिंबल रहता है Li, ये उसका सिंबल रहता है। फिर चौथा एलिमेंट आता है बेटा बेरिलियम। क्या नाम आता है बेटा उसका? बेरिलियम। तो बेटा बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकलेगा? तो बेटा जैसे कि आप देख रहे हो कि बेरिलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है। उन 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन उसके पहले शेल में जाएंगे और बाकी के बचे हुए 2 उसकी दूसरी शेल में जाएंगे।
तो बेटा अब देखो कि क्या उसकी दूसरी वाली शेल कंप्लीटली फिल हो गई क्या? नहीं फिल हुई। क्या हुई? नहीं फिल हुई। उसमें और भी 6 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो कोई ऐसा एलिमेंट है कि जिसको 6 इलेक्ट्रॉन दे देगा? नहीं देगा। तो बेटा ये भी क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा, जिसकी वजह से इसकी वैलेंसी क्या हो जाएंगी बेटा, पॉजिटिव 2 हो जाएंगी। और इसका सिंबल क्या हो जाएगा बेटा, Be2+। क्या हो जाएगा बेटा, Be2+, क्योंकि बेरिलियम का सिंबल क्या रहता है बेटा, Be। और उसके आयन का सिंबल क्या हो जाएगा, Be2+, क्योंकि वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे देता है। अब इसका बेटा यूज कहाँ आता है? तो बेटा आपने देखी होंगी कि बहुत सारे सैटेलाइट्स बनाई जाती है, बहुत सारे रॉकेट्स बनाए जाते हैं, बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट बनाए जाते हैं। तो जितने भी रॉकेट्स, स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट बनाई जाती है, उसमें बेरिलियम इस मेटल का यूज किया जाता है उसके कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, फिर बेटा हमारा पांचवा एलिमेंट आता है बोरॉन। पांचवा एलिमेंट आता है बेटा बोरॉन, जिसका सिंबल है बी, जिसका सिंबल है बी। और बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो, क्योंकि इसके 5 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर बाकी वाली शेल में 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है बेटा? वेरी गुड, 5 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो बेटा 5 इलेक्ट्रॉन भी कोई देने वाला नहीं है, इसलिए क्या कर देता है बेटा, वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है। और इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है बेटा, +3 हो जाती है। और इसका सिंबल क्या हो जाता है, Be3+ हो जाता है। आया समझ में? अब बेटा ये बोरॉन का यूज क्या होता है? तो बेटा बोरॉन जो है, आपने देखे होंगे बोरिक एसिड, सुने हो आपने बोरिक एसिड? बोरिक एसिड बेटा एक पाउडर रहता है, जिसको हम लोग अन्न में डालते हैं, अन्न यानी गेहूं में, चावल में डालते हैं, जिसकी वजह से उसमें कीटाणु नहीं लगते हैं। तो बोरॉन का जो काम रहता है वो बोरिक एसिड बनाने में होता है। और भी बेटा और यूजफुल कंपाउंड्स है बोरॉन के, जो कि हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज आते हैं। आया समझ में? फिर आता है बेटा हमारा दूसरा एलिमेंट, जो कि 6वें नंबर पे है, उसका नाम है कार्बन। क्या है बेटा? कार्बन। तो कार्बन के बारे में तो आपने सुने होंगे, जो काला काला रहता है उसको हम लोग कार्बन कहते हैं। आया समझ में? तो बेटा कार्बन का सिंबल रहता है C। अब इसका यूज कहाँ आता है बेटा? तो कार्बन जो है हमारी बॉडी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बेटा? हमारी बॉडी में पाया जाता है। इस यूनिवर्स में जितनी भी लिविंग ऑब्जेक्ट्स है, जितने भी लिविंग ऑब्जेक्ट्स है, वो सभी के सभी लिविंग ऑब्जेक्ट किसने बने हुए हैं बेटा? कार्बन से बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर बेटा आप कोयले को देख सकते हो, तो कोयले में भी सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या पाया जाता है बेटा? कार्बन पाया जाता है। फिर आप देखते हो बेटा हम अपने सांस छोड़ते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, तो उसमें बेटा क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। तो इस तरीके से बेटा कार्बन बहुत सारी जगह पाया जाता है। आप पेट्रोल देख लो, पेट्रोल के अंदर भी कार्बन है। आप तेल देख लो, तेल के अंदर भी कार्बन है। तो बेटा हर जगह क्या है? कार्बन ही कार्बन है। उसके बाद इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, तो आपको पता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगा? पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और बची हुई शेल में 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, है ना? अब ध्यान देना थोड़ा सा, अब इसे बेटा 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है ना, 4 इलेक्ट्रॉन्स दे भी सकता है। और इसको अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स ले भी सकता है, अगर इसको टोटल नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स करना है तो या तो अपने ये 4 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। दोनों ही चीज वो कर सकता है, क्योंकि दोनों ही कैसे बेटा, इक्वल है। तो बेटा ये क्या करेगा, ना ही अपने इलेक्ट्रॉन देगा और ना ही अपने इलेक्ट्रॉन्स लेगा। ये क्या करेगा बेटा, शेयर करेगा। क्या करेगा बेटा, ये शेयर करेगा। क्या करेगा? शेयर करेगा। तो बेटा इसकी वैलेंसी हम लोग सिर्फ 4 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 4 मान लेते हैं, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स वो देगा भी नहीं और 4 इलेक्ट्रॉन लेगा भी नहीं, पर बेटा 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? शेयर करेगा। इसलिए उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी बेटा, 4 हो जाएंगी। और उसका आयन नहीं बनेगा, क्योंकि उसने किसी को दिया भी नहीं और किसी से लिया भी नहीं। फिर आता है बेटा 7वें नंबर पे नाइट्रोजन। क्या आता है बेटा? नाइट्रोजन आता है। क्या आता है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का जो सिंबल रहता है बेटा, वो रहता है N। अब ये नाइट्रोजन कहाँ काम आता है बेटा? तो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फियर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली, यानी कि 78% पाए जाने वाली गैस है ये नाइट्रोजन। और बेटा आप लोग जो चिप्स खाते हो कि नहीं, लेज खाते हो, हल्के फुल्के जो चिप्स खाते हो, उसके अंदर जो हवा भरी हुई रहती है वो भी कौन सी रहती है बेटा? नाइट्रोजन रहती है। क्यों रहती है बेटा? क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस रहती है वो फूड को सड़ने से बचाती है। तो
तो वहां पर नाइट्रोजन गैस का काम आता है। उसके बाद बेटा आपने देखे होंगे प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के बारे में पढ़े ना, दाल से हमें प्रोटीन मिलता है, मीट से हमें प्रोटीन मिलता है, तो जो प्रोटीन है उसका जो मेन कंस्टिट्यूएंट है वो है नाइट्रोजन। वो क्या है? नाइट्रोजन। तो प्रोटीन्स बनाने में भी किसका काम आता है बेटा? नाइट्रोजन का काम आता है। उसके बाद बेटा जो प्लांट की ग्रोथ होती है, प्लांट की ग्रोथ होती है या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सी गैस करती है बेटा? नाइट्रोजन। ये गैस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बेटा कैसे आएगा? तो पहले पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, और जो बचे हुए कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा इसके? 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो किसमें चले जाएंगे बेटा? उसके दूसरी शेल में चले जाएंगे। अब मुझे बताओ इसको अपनी सेकेंड वाली शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? वेरी गुड, कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो बेटा देखो ये 5 इलेक्ट्रॉन देगा कि 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, कौन सी चीज आसान है? वेरी गुड, 3 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है। तो वो क्या कर देगा बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर माइनस साइन आएगा और इसका सिंबल क्या बन जाएगा? N3-। तो नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लेता है और उसके ऊपर निगेटिव साइन आ जाता है। उसके बाद आता है बेटा 8वें नंबर पे ऑक्सीजन। क्या आता है बेटा 8वें नंबर पे? ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन का 8 नंबर है, सिंबल है उसका O। अब ये ऑक्सीजन का यूज कहां पे आता है बेटा? तो ये तो बेटा आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के हम लोग जी नहीं सकते। ऑक्सीजन ही वो ऐसी गैस है जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने में हेल्प करती है। आप क्या लेते हो? सांस लेते हो तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं, और इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। उसके बाद जब कोई भी चीज जलती है, चाहे आप लकड़ी जलाते हो चाहे आप गैस जलाते हो, तो बेटा जब भी कोई चीज जलती है तो ऑक्सीजन उस जलने में हेल्प करती है। किसमें हेल्प करती है बेटा? जलने में हेल्प करती है। तो ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग। तो बेटा हर जगह ऑक्सीजन का काम आता है। आया समझ में? अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे तो बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 2। वेरी गुड, 6। कैसे आया बेटा? पहले शेल में 2 डाल दिए, बाकी के इसमें 6 डाल दिए, तो टोटल कितने हो गए? 8। अब मुझे बताओ ये 6 इलेक्ट्रॉन दे देगा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा? वेरी गुड, 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, तो इसकी वैलेंस हो जाएगी -2 और इसका आयन हो जाएगा Oxygen-2-। आया समझ में? अब बेटा आपको फ्लोरीन और नियॉन के बारे में आपको बेटा लिखना है। फ्लोरीन नियॉन, ठीक है? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है बेटा 9 और नियॉन का एटॉमिक नंबर है बेटा 10। फ्लोरीन का सिंबल है F, नियॉन का सिंबल है Ne। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा आपको लिखना है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है, इसकी वैलेंसी भी आपको लिखना है और इसका आयंस भी आपको लिखना है। पर बात आती है बेटा फ्लोरीन कहाँ काम आता है? तो बेटा आप लोग जो सुबह उठकर पहले क्या करते हो? ब्रश करते हो, तो ब्रश में आप जो टूथपेस्ट लगाते हो उस टूथपेस्ट में फ्लोरीन का यूज होता है। आया समझ में? फिर बात करते हैं नियॉन का। तो बेटा जितने भी आप बाहर जाकर जब लाइटिंग्स देखते हो, लाइटिंग्स देखते हो ना बेटा, रेड कलर की लाइटिंग देखते हो, तो बेटा जो रेड कलर की जो मेनली लाइटिंग रहती है उसमें बेटा नियॉन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। आया समझ में? तो ये थे बेटा इनके यूजेस, आपको इनके जवाब लिखना है, ठीक है? अब बेटा हम लोग बाकी के एलिमेंट्स को देखते हैं। तो जैसे कि आपको बाकी का नंबर दिख रहा है बेटा सोडियम, तो सोडियम का बेटा एटॉमिक नंबर होता है 11 और उसका सिंबल होता है बेटा Na। अब बोलोगे सर उसका सिंबल Na क्यों आया? Na तो उसके नाम में दिख ही नहीं रहा है। तो बेटा उसका एक लैटिन नेम होता है जिसका नाम है नेट्रियम, तो उसके लैटिन नेम से उसका सिंबल निकला है Na। फिर बेटा उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो देखो उसका 4 शेल रहती है, 2, 8 और इसमें रहते 18 और इसमें रहते बेटा 32। तो अब मुझे बताओ सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले के 2 इसमें जाएंगे, फिर बाकी के जो बचे हुए कितने हैं? 9। तो 9 में से 8 कितने जाएंगे बेटा? सेकेंड इसमें जाएंगे। अब बच गया 1, तो वो 1 किस में चले जाएंगे बेटा? एम वाली शेल में चले जाएगा। कौन सी शेल में चले जाएगा बेटा? एम वाली शेल में चले जाएगा। तो उसके एम वाली शेल यानी कि उसके लास्ट वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना है? 1 है। कितना है? 1 है। तो मुझे बताओ बेटा अब उसको लास्ट वाली शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स टोटल चाहिए, यानी कि इसको और 17 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो कोई इसको 17 इलेक्ट्रॉन्स देने वाला है क्या बेटा?
नहीं देने वाला है, तो इसको क्या कर देगा बेटा, वो डोनेट कर देगा, तो इसकी वैलेंसी हो जाएंगी पॉजिटिव वन, और इसका आयन क्या हो जाएगा बेटा, Na पॉजिटिव। तो बेटा इस तरीके से आपको सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है, इनका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। मैं बेटा आपको इसके यूजेस बता देता हूं, ठीक है। तो मैग्नीशियम जो है वो बेटा 12 नंबर पे आता है, और इसका सिंबॉल Mg रहता है, ठीक है। अब मैग्नीशियम का कहाँ यूज आता है बेटा, तो मैग्नीशियम का बेटा जो हम लोग क्रैकर्स यानी कि फटाके जलाते हैं उसमें मैग्नीशियम का यूज आता है, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम का और कहाँ यूज आता है बेटा, आप लोग देखते होंगे कि जो प्लांट्स है वो अपना खाना खुद बना पाते हैं, क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या रहता है बेटा, क्लोरोफिल, क्या रहता है, क्लोरोफिल रहता है, और क्लोरोफिल का मेन कंपोनेंट जो है वो है मैग्नीशियम, जिसके बगैर क्लोरोफिल नहीं बन सकता है, ठीक है। सोडियम के बारे में बताना भूल गया मैं आपको, तो बेटा सोडियम जो है बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, और इसका काम कहाँ आता है बेटा, सभी को पता है जो हम लोग घर पे खाना नमक खाते हैं ना, NaCl, तो वो बनाने में सोडियम का यूज आता है। उसके बाद जो हम लोग सुबह साबुन लगाते हैं बेटा, वो साबुन में भी सोडियम का ही काम आता है। फिर बेटा तीसरा आता है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, और इसका सिंबॉल है Al। अब ये एल्यूमिनियम कहाँ यूज आता है बेटा, तो जो एयरक्राफ्ट आप लोग देखते हो, जो एरोप्लेन आप लोग देखते हो, तो एरोप्लेन की जो बॉडी रहती है वो एल्यूमिनियम से बनी हुई रहती है। क्यों बनी हुई रहती है बेटा, क्योंकि एल्यूमिनियम बहुत ही लाइट एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है बेटा, बहुत ज्यादा लाइट एलिमेंट है, इससे एल्यूमिनियम से एरोप्लेन की बॉडी बनाई जाती है। उसके बाद बेटा आपने घर में एल्यूमिनियम फॉइल्स देखे होंगे, जिसमें मम्मी आपको रोटी लपेट के देती है, तो वो एल्यूमिनियम फॉइल्स भी किससे बनी हुई है बेटा, एल्यूमिनियम से बनी हुई है। फिर आप बेटा घर में जो बर्तन यूज करते हो खाना पकाने के लिए, वो जितने भी बर्तन आप लोग यूज करते हो वो भी बेटा किससे बने हुए रहते हैं, एल्यूमिनियम से बने हुए रहते हैं, और एल्यूमिनियम का बेटा वायर्स बनाने में भी बहुत ज्यादा काम आता है। फिर बात करते हैं बेटा सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन का सिंबल रहता है Si, और बेटा इसका काम रहता है सिलिकॉन का सोलर सेल्स बनाने में काम आता है। क्या बनाने में काम आता है बेटा, सोलर सेल्स बनाने में काम आता है। आप लोग देखते हो ना सोलर सेल, जो लाइट एनर्जी को कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो वो सोलर सेल बनाने में बेटा सिलिकॉन का यूज आता है। फिर आप बेटा देखते हो फास्फोरस, तो बेटा फास्फोरस जो रहता है उसका एटॉमिक नंबर रहता है बेटा 15, और उसका सिंबल रहता है P, और ये जो बेटा फास्फोरस है ये काम आता है बेटा फटाके बनाने में काम आता है। किसमें काम आता है बेटा, फटाके बनाने में काम आता है। उसके बाद बेटा आपके घर में माचिस तो रहता ही होगा, वो जो माचिस की आप डंडी देखते हो उसके ऊपर जो ब्राउन कलर का सब्सटेंस लगा रहता है ना बेटा, वो भी क्या रहता है बेटा, फास्फोरस रहता है। तो माचिस बनाने में भी इसका यूज आता है बेटा, फास्फोरस का यूज आता है। उसके बाद बेटा हम लोग देखते हैं सल्फर को, तो बेटा सल्फर जो रहता है वो रहता है 16 नंबर पे रहता है, और उसका सिंबल रहता है बेटा S, और ये जो सल्फर जो है वो भी फटाके बनाने में काम आता है। किसमें काम आता है बेटा, फटाके बनाने में काम आता है, और हमारे लेबोरेटरी में एक बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला जो एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, वो बनाने में भी सल्फर का काम आता है। फिर बेटा आता है 17 नंबर पे क्लोरीन, तो क्लोरीन का सिंबल रहता है बेटा Cl, तो बेटा क्लोरीन जो है बहुत ही हार्मफुल और पॉइजनस गैस है, तो इसका बेटा हम लोग यूज करते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन में। किसमें यूज करते हैं बेटा, वाटर प्यूरिफिकेशन के। तो आपके घर में बेटा जितना भी पानी आता है वो बेटा क्लोरीन के द्वारा ही प्यूरिफाई किया हुआ पानी आता है। उसके बाद बेटा क्लोरीन जो है वो सॉल्ट बनाने में काम आता है। क्या बनाने में काम आता है, सॉल्ट बनाने में, जब सोडियम और क्लोरीन मिल जाते हैं तो वो सॉल्ट बनाते हैं। उसके बाद बेटा आता है 18 नंबर पे एर्गोन, उसका सिंबल रहता है बेटा Ar, क्या रहता है उसका सिंबल, Ar। तो ये एर्गोन जो बेटा गैस है ये बेटा बहुत ही अनरिएक्टिव गैस है, अनरिएक्टिव मतलब इजिली रिएक्ट नहीं करती है, इसलिए हम लाइटिंग्स में या फिर बल्ब में एर्गोन गैस का इस्तेमाल करते हैं। आया समझ में। फिर बेटा हमारा आता है बेटा पोटेशियम, तो पोटेशियम जो आता है बेटा वो 19 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है बेटा, 19 नंबर पे आता है, और पोटेशियम का कहाँ यूज होता है बेटा, तो पोटेशियम का बेटा यूज होता है साबुन बनाने में। किसमें यूज होता है बेटा, साबुन बनाने में। ये उसी तरीके से काम करता है बेटा जिस तरीके से सोडियम काम करता है, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा कैल्शियम, जो कि 20 नंबर पे आता है, और उसका सिंबल क्या रहता है बेटा, Ca। तो बेटा आप देख रहे हो कि हमारे दांत जो है वो भी कैल्शियम से बने हुए हैं, हमारी हड्डियां जो है वो भी कैल्शियम से बनी हुई है, हम जो चूना घसते हैं वो भी कैल्शियम से बना हुआ रहता है। तो बेटा कैल्शियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी
बॉडी का फ्रेमवर्क बनाने के लिए और तंबाकू खाने के लिए, है ना। तो बेटा जो कैल्शियम रहता है वो किसमें काम आता है बेटा, चूना बनाने में काम आता है, चौक बनाने में काम आता है, और भी कई सारी चीजें बनाने में काम आता है, ठीक है। तो ये हो गया कैल्शियम के बारे में। ये पोटेशियम का सिंबल है बेटा के, ठीक है। तो बेटा अभी आप क्या करना है, सभी को सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, सभी की वैलेंसी लिखनी है, और सभी के आयंस के फॉर्म लिखने हैं, ठीक है। तो बेटा इससे हमारे पास एक और कंक्लूजन निकलता है कि मान लीजिए यदि किसी की लास्ट शेल में 1, 2, 3 अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, कितने, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो वो हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे बेटा, डोनेट करेंगे, और उनके ऊपर कौन सा साइन आएगा बेटा, पॉजिटिव साइन आएगा। और मान लीजिए कि अगर उनके लास्ट वाले शेयर में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो हमेशा क्या करेंगे बेटा, शेयर करेंगे। और मान लीजिए कि अगर उनके पास 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि 5, 6, 7, तो बेटा वो लोग क्या करते हैं उस समय, उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं बेटा, गेन करते हैं। क्या करते हैं उस समय, वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। कितना गेन करेंगे, अगर उनके शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 3 गेन करेंगे, तो 3 उनकी वैलेंसी हो जाएंगी। अगर उनके शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, तो उनकी वैलेंसी क्या हो जाएंगी, -2। अगर उनके शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो उसकी वैलेंसी हो जाएंगी -1। तो अगर शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो डोनेट करेंगे, 4 है तो शेयर करेंगे, 6, 7 और 5 है तो वो इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देख लिए बेटा, वैलेंसी देख लिए, और हमने आयन्स देख लिए। आया बेटा समझ में, थैंक यू।